स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रजत और सभी धीरे धीरे आ रहे हैं करीब। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में आने वाले नए ट्विस्ट में आप देखेंगे कि रजत और सभी के बीच में जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं, क्योंकि सभी को आशिका की सच्चाई पता चल गई है। ये भी पता लग गया है कि क्या था रजत का अतीत और किस तरीके से आशिका उसे छोड़कर उसके बॉस के साथ चली गई थी। उसको यह भी ख्याल नहीं आया उस वक्त कि उसकी एक छोटी बच्ची है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि रजत को सई की कस्टडी भी मिल जाएगी और सई के वापस मिलने के बाद रजत बिल्कुल बदलता जाएगा और सई को अब समय से बहुत सारा समय देगा और उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करेगा और यह सब सभी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, जी हाँ, जहाँ पर रजत खुद सभी को प्रपोज करने वाला है शादी के लिए, क्योंकि अब रजत को लगता है कि सई के लिए सभी से अच्छी माँ मिल ही नहीं सकती, इतना ख्याल रखती है सभी उसका। तो अभी रजत और सभी में प्यार होना शुरू ही नहीं हुआ, जो कि आपको शादी के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक समझौता होगा जहाँ पर रजत सभी को कहेगा कि उससे शादी कर ले और सभी भी कहीं ना कहीं रजत की बात मान जाती है, क्योंकि यह एक समझौता होता है, क्योंकि सभी को सई के साथ टाइम स्पेंड करना होता है और सभी को सई के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। सई की माँ बनने से अच्छा है उसके लिए कुछ तो बन ही सकती है, इसलिए रजत और सभी की शादी कर लेते हैं। यह ऐसा समझौता होता है रजत और सभी के बीच। तो आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सबकी क्या राय है ढेर सारे कमेंट करके ज़रूर बताएं।